रेवाड़ी पुलिस के 4 डीएसपी आज रात 200 जवानों के साथ शहर की सड़क पर निकले और तलाशी अभियान चलाया। पुलिस ने उन सुनसान इलाकों में जाकर वाहनों की तलाशी की और लोगों से पूछताछ की जो संदिग्ध मिले। सेक्टर 5 झज्जर चौक, नाईवाला चौक, शहर के अलग अलग मोहल्ले व बाईपास सहित कई स्थानों पर पुलिस पहुंची और वाहनों की तलाशी से लोगों से पूछताछ की। डीएसपी हेडक्वार्टर्स गजेंद्र कुमार ने बताया कि सुनसान इलाकों में आजकल पुलिस तलाशी अभियान चला रही है ताकि अपराधियों पर अंकुश लगाया जा सके। रिवाड़ी से अजय अत्री, आजाद टीवी न्यूज़। हमने यहां पर 200 आदमी इसमें कॉम्बिंग ऑपरेशन में लगे हुए हैं और इसका मेन मकसद है कि अपराधों पे रोकथाम लगाना और जो सस्पेक्ट आदमी है उनको चेक करना। तो किस तरह से पुलिस कहां जा रही है? कॉम्बिंग जो एरिया है, जो सुनसान इलाके हैं, खासकर जो सस्पेक्टेड एरिया, जैसे ये एरिया है, वहाँ पर जो कई बार आदमी अपराधी किस्म के आदमी छुप जाते हैं, वहाँ हम कॉम्बिंग करेंगे और उनको 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 पूछताछ करेंगे, तलाशी लेंगे और अगर सस्पेक्ट पाए तो उन्हें उचित कार्रवाई करेंगे।